हाय दोस्तों, कैसे हैं? नीरज कुमार सिंह, पुनः एक बार आपका द सेलेक्ट ऑनलाइन यूट्यूब में स्वागत है आपका। आज हम दूसरा सेक्शन आपका वकैब का लेके आए हैं, दूसरी क्लास। और यह इसको निमोनिक्स के माध्यम से नहीं, इसको हम रूट वर्ड के ही माध्यम से लेके चलेंगे। और आज हम लोग करीब 10 से 15 शब्दों को करेंगे। ये वकैब का कम से कम 8-10 वीडियो इस पर मैं जो है अपलोड करूँगा जो है। और वकैब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वकैब हर परीक्षा में ये बड़ा ही स्कोरिंग पोर्शन होता है वकैब का। और यह चाहे आप बैंक पीओ में दें, एसएससी दें और सीपीओ दें, हर जगह आपका जो है वकैब सेक्शन है। और इसको हम रटेंगे नहीं, बहुत बारीकी से हम लोग इसको सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस पाठशाला को हम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे, यह चर्चा जो है हम लोगों की चर्चा होगी ग्राफ शब्द से या ग्राफी शब्द से। ग्राफी, बहुत लोग उसको ग्राफी बोलते हैं, तो प्रोनाउंस किया जाता है, ग्राफी किया जाता है। जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ग्राफी होता है, ग्राफी नहीं होता है। ग्राफ और ग्राफी का अर्थ होता है राइट करना, किसी चीज का रिकॉर्ड रखना, अकाउंट रखना। क्लियर? तो इससे हम कितने शब्दों को पाते हैं, चलिए आज हम शब्दों को जो है देखते हैं। पहला शब्द मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो पहला शब्द है काइकोग्राफी। और एक बात और जानिए, प्रोनंसिएशन प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनंसिएशन। और बहुत लोग प्रोनाउंस कहते हैं, लेकिन करेक्ट शब्द होता है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस नहीं प्रोनाउंस। क्या बात समझ में आई? प्रोनाउंस। ओके, तो चलिए, जैसे हम पहला शब्द लेके आ रहे हैं आपके सामने काइकोग्राफी, ठीक है बच्चे, पहला शब्द मैंने लिखा क्या? काइकोग्राफी। काइको का अर्थ क्या होता है? काइको का अर्थ होता है मेसी, इसका अर्थ होता है मेसी, मेसी माने गंदा। और ग्राफी का अर्थ मैंने बताया कि राइट करना, राइटिंग। ग्राफी का अर्थ क्या होता है? राइटिंग। तो जिसकी लिखावट क्या रहे, बैड राइटिंग रहे, जो खराब लिखता हो, उसे क्या कहते हैं? काइकोग्राफी। तो बैड राइटिंग, यहां पे आप कह सकते हैं बैड राइटिंग, ठीक है, बैड राइटिंग। दूसरा शब्द है कैलीग्राफी, ग्राफी नहीं ग्राफी बच्चे, कैलीग्राफी। कैली मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय कैली? कैली मीन्स ब्यूटीफुल। कैली मीन्स व्हाट? ब्यूटीफुल। कैली मीन्स ब्यूटीफुल। और ग्राफी मीन्स मैंने बताया कि राइटिंग। तो ब्यूटीफुल राइटिंग को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल राइटिंग। ब्यूटीफुल राइटिंग को क्या कहेंगे? कैलीग्राफी। आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस फॉर यू। फर्स्ट वन इज काइकोग्राफी, मीन्स काइको मीन्स मेसी, ग्राफी मीन्स राइटिंग। अ पर्सन हु हैज बैड राइटिंग इज नोन एज काइकोग्राफी। एंड नेक्स्ट वर्ड आई हैव रिटन कैलीग्राफी, मीन्स वन हु हैज ब्यूटीफुल राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी। नाउ द थर्ड इज बिब्लोग्राफी,
बिब्लोग्राफी। बिब्लो मीन्स वॉट? बिब्लो मीन्स बुक्स। बिब्लो मीन्स बुक्स और ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो क्या हुआ बच्चे, बिब्लोग्राफी मीन्स क्या हुआ? बिब्लोग्राफी का होता है कि किसी किताब को जब हम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे रेफरेंस को हम कोट करते हैं, और जो उस जितनी किताबों को रेफरेंस में हम लिए रहते हैं, मान लीजिए कि आप एक किताब लिख रहे हो और इस उस किताब को अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए, स्टैंड करने के लिए बहुत सारे किताबों को दिखाते हो, कोटेशन लेते हो, कुछ उदाहरण लेते हो, तो उनका एक स्टेट आप दिखाते हो और एक वो उन किताबों की लिस्ट को शो करते हो कि हमने इन इन किताबों का जो है सोर्स लिया है, तो उसे कहते हैं बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी का मतलब होता है, यहाँ पे ये देख लीजिए कि अ रिटन लिस्ट ऑफ बुक्स और रिटन लिस्ट ऑफ बुक्स यूज इन अ बुक और रिकॉर्ड, उसे कहते हैं बिब्लोग्राफी। तो सो फार वी हैव गॉट थ्री वर्ड्स, कैकोग्राफी बैड राइटिंग, कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग, एंड द थर्ड वन इज बिब्लोग्राफी मीन्स द बुक्स अ रिटन लिस्ट ऑफ बुक्स यूज इन ए बुक और रिकॉर्ड। तो प्लीज टेक योर टाइम एंड यू कैन स्टार्ट ए स्क्रीन और यू कैन राइट टेक डाउन। आप इसका स्टार्ट स्क्रीन ले सकते हैं या लिख सकते हैं। चलिए हम फिर मिटाते हैं इसको, अब इसको हम रब करते हैं, अब अगला शब्द फिर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा रूट वर्ड को पहचानना पड़ा होगा, कैब सेक्शन को याद करने के लिए, उस पर कमांड बनाने के लिए बहुत सारे आपको ड्रिल है। अभी मैं नॉर्मल लेविस की किताब भी लेके आऊंगा, उससे भी आपको कराऊंगा। दूसरी बात है कि यह रूट वर्ड्स के माध्यम से, निमोनिक्स के माध्यम से, पेपर के रीडिंग में कैसे वर्ड्स आते हैं उसके बारे में भी चर्चा वीडियोस होगी। तो इस पे आपको एक अच्छा सा पकड़ बनाना है ताकि हमको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर अपनी पाठशाला को पुनः एक बार आगे हम बढ़ाते हैं और नया शब्द लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स क्या? व्हाट? ऑटो मीन्स होता है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। ऑटो मीन्स व्हाट? सेल्फ, ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं। और बायोग्राफी मीन्स राइटिंग, जैसा हम जानते हैं, हमने लिख भी दिया है कि ग्राफी और ग्राफ, ग्राफ एंड ग्राफी। तो सेल्फ राइटिंग, तो सेल्फ राइटिंग क्या? अ पर्सन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, द लाइफ हिस्ट्री, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटेन रिटेन बाई हिम सेल्फ। जब कोई व्यक्ति अपने जिंदगी के बारे में स्वयं लिखे, अर्थात कोई दूसरा ना लिखे, ऑटो मीन्स से ही देखिए रूट वर्ड कह रहा है सेल्फ, मीन्स कि जैसे अब्दुल कलाम का द विंग्स ऑफ फायर उन्होंने लिखा, माई महात्मा गांधी का है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ऑटोबायोग्राफी है। मीन्स आप अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखें, कोई दूसरा व्यक्ति
ना लिखें तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। बायोग्राफी, बायो मीन्स व्हाट? लाइफ। बायो मीन्स लाइफ और ग्राफी मीन्स राइटिंग। राइटिंग, तो जो व्यक्ति अपने उसके जीवन को कोई दूसरा लिखो, मीन्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा जब आपके जीवन के बारे में लिखा जाए तो उसे कहते हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अब नेक्स्ट शब्द आ रहा है आपके लिए कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, कार्टो मीन्स क्या होता है? मैप। कार्टो मीन्स क्या होता है? मैप। कार्टो मीन्स मैप और ग्राफी मीन्स क्या? राइटिंग। तो क्या बन गया? द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। पुनः जो है मैंने पहले शब्द कैकोग्राफी, कैलीग्राफी, बिब्लोग्राफी, यहां पर फिर मैंने चौथा शब्द लिया ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड कार्टोग्राफी। वी हैव डन सिक्स वर्ड्स, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन या लिख सकते हैं। मैं टेक योर टाइम प्लीज। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमो, डेमोग्राफी। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, और यह शब्द जो है कई परीक्षाओं में, एसएससी में, बैंक में या 2018 में यह आ चुका है। डेमोग्राफी, डेमो मीन्स क्या होता है? डेमो मीन्स होता है पीपल। डेमो मीन्स क्या? पीपल। और ग्राफी मीन्स राइटिंग। सॉरी, ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन जब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ ह्यूमन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन इज नोन एज डेमोग्राफी। तो मेरे बच्चे, अभी तक हम लोगों ने इतना शब्द किया, और ये ग्राफी शब्द से, ग्राफ या ग्राफी शब्द से ये शब्द निकल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड फिर मैं लेने चल रहा हूं, यह कोरियो।
कोरियोग्राफी CHORUGRAPHY कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफर होते हैं मूवीज में, जो हीरो या हीरोइन को टिप्स बताते हैं कि कैसे आपके बॉडी का मूवमेंट करना है। सरोज खान का भी एक टीवी चैनल पे आ रहा था कि डांस विथ सरोज खान, तो कोरियोग्राफी उसी से बना है कोरियोग्राफर, जो डांस करना सिखाए। तो कोरियो मींस व्हाट? कोरियो मींस डांस, और ग्राफी मींस आप जानते ही हैं राइटिंग। तो डांस राइटिंग, डांस कंपोजिशन के बारे में जो बात हो उसे क्या कहेंगे? कोरियोग्राफी। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वह है एरियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है एरियोग्राफी, AERUGRAPHY। एरियो मीन्स एयर, एरियो मीन्स व्हाट? एयर, एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो राइटिंग अबाउट एयर और एटमॉस्फियर, एयर और एटमॉस्फियर, एरियोग्राफी। फिर मेरा शब्द जो है, एक नया शब्द आ रहा है एंजियोग्राफी। यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड एंजियोग्राफी। एंजियो मीन्स व्हाट? एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। एंजियो का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स। और ग्राफी मीन्स क्या? राइटिंग। तो जब आप कोई पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, लोग जाते हैं जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो मैक्सिमम लोग डॉक्टर जो कहते हैं कि आप इसका एंजियोग्राफी करा लीजिए, मीन्स कि एक वेसल्स के बारे में, द इमेजेस ऑफ द ब्लड वेसल्स मीन्स द सिस्टम इन विच, या द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच इमेजेस, ब्लड वेसल्स इमेजेस आर टेकिंग, द प्रोसेस इन विच इमेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स, द प्रोसेस इन विच इमेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स आर टेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फोटोकॉपी, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फोटोकॉपी, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फोटोकॉपीज। तो अब हमने एरियोग्राफी, एंजियोग्राफी ये शब्द को जाना। अब थोड़ा सा हम ग्राफ शब्द से करेंगे। जैसे एक शब्द मैं लेके आ रहा हूं, प्लीज टेक योर टाइम,
आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या लिख लीजिए। चलिए अब अगला शब्द है होमोग्राफ। होमोग्राफ, अभी तो हम लोगों ने ग्रफी पे कर रहे थे, अब हम जो है ग्राफ पे करेंगे। ग्राफ या ग्रफी जहां पे आपको मिला, या मान लीजिएगा कि वहां रिकॉर्ड से होगा, अकाउंट से होगा, राइट से होगा। क्लियर? अब होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो मींस क्या? सेम। और ग्राफ मींस क्या? राइटिंग। क्लियर? होमो माने सेम और ग्राफ मींस क्या? राइटिंग। अब जैसे अब अगर इसको कर लें, होमोग्राफ का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि आइडेंटिकल वर्ड्स, द वर्ड्स विच आर आइडेंटिकल, द वर्ड्स विच आर आइडेंटिकल इन स्पेलिंग बट डिफरेंट, डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है बच्चे, होमोग्राफ। होमो शब्द से बहुत बनता है, होमोसेक्सुअल, होमोग्राफ, होमोजीनियस, बहुत सारे शब्द हैं। पहले इस पे हम चर्चा फोकस कर रहे हैं, होमोग्राफ। होमो माने सेफ, ग्राफ माने राइटिंग। कहने का मतलब कि ऐसे शब्द हों जो आपके स्पेलिंग में तो सेम हों, ठीक है बच्चे, और लेकिन उनकी मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे अगर हम ट्रेन शब्द, अगर उदाहरण के लिए मैं रख रहा हूं, ट्रेन, ट्रेन माने ट्रांसपोर्टेशन भी होता है कि वह ट्रेन से आया, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर बच्चे? और ट्रेन क्या करते हैं, किसी को आप प्रशिक्षण भी देते हैं, आई विल ट्रेन हिम, मैं उसको प्रशिक्षण दूंगा। तो ट्रेन का मतलब होता है सिखाना भी होता है। जैसे अगर मैं कह दूं टीयर, तो टीयर माने रिप करना, फाड़ना, और टीयर माने आंसू होता है। अगर एक शब्द फिर मैं ले लूं मे, देखिए स्पेलिंग तो एक ही है, मे माने पॉसिबिलिटी, मे मींस क्या? पॉसिबिलिटी। मॉडल ऑक्सिलरी में पढ़ते हैं जहां बहुत ज्यादा संभावना रहती है, और मे माने मंथ, महीने का नाम भी को मे कहते हैं। तो इसी से मतलब स्पेलिंग तो सबकी एक रहेगी, लेकिन उसके मीनिंग में क्या होगा? अंतर होगा। डिफरेंट इन मीनिंग, द वर्ड्स विच आर आइडेंटिकल इन स्पेलिंग, द वर्ड्स विच आर सेम इन स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग। बच्चे तो मेरे ख्याल से आपको अब ये नहीं भूलना चाहिए कि होमो माने एक आपको रूट बढ़ गया कि जहां पर होमो मिल जाए वहां पर सेम आ जाएगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको कनेक्ट होने की जरूरत है बच्चे, कि ग्राफ और ग्रेफी शब्द जहां मिले तो वहां पे ये तुरंत दिमाग दौड़ाइए कि इसका मतलब ये हो सकता है कि राइट, रिकॉर्ड। जहां पे कैली मिले वहां पर ब्यूटीफुल हो जाएगा, जहां पर कैको मिले वहां मेसी बैट से हो जाएगा, है ना? जहां पे आपको ऑटो मिले वहां सेल्फ हो जाएगा, जहां बायो मिले वहां लाइफ हो जाएगा, जहां बिब्लो मिले वहां बुक हो जाएगा। जैसे बिब्लोफिलिस्ट, पुस्तक प्रेमी, तो बिब्लो माने बुक्स। तो जब आप रूट वर्ड को दिमाग में रखेंगे,
जहां पर कार्टो मिला, जैसे कार्टोग्राफर कर दे, नक्शा बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं, उसी से कार्टोग्राफी होता है। तो कार्टो मिले तो मैप हो गया। तो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द रूट वर्ड्स इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द एग्जामिनेशन। अगर आप इन रूट वर्ड्स को दिमाग में लेके नहीं चलेंगे, बायो का मीन्स लाजी, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटोमेटिक राइफल होती है तो ऑटो माने सेल्फ, तो रूट वर्ड से ही या तो उसके प्रीफिक्स में लगे या सफिक्स में लगे, तो आपको इन चीज़ों को दिमाग में रखनी पड़ेगी और आपके मेमोरी में क्या होगा, एकदम बना रहेगा। एक सरप्राइज पैकेज के साथ मैं पुनः आ रहा हूँ, आप इसको नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड मैं ले रहा हूं, सिस्कोग्राफ। सिस्कोग्राफ, यस, CIOGRAPS, सिस्कोग्राफ। सिस्को मीन्स क्या? सिस्कोग्राफ, सिस्को मीन्स अर्थ क्वेक। अर्थ क्वेक, ग्राफ मीन्स राइटिंग, मीन्स क्या हो जाएगा? सिस्कोग्राफ क्या करता है बच्चे? सिस्कोग्राफ करता है कि एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर, टू मेजर, टू स्केल, नापने को मेजर कर दो, स्केल कर दो, फैदम कर दो, बहुत सारे शब्द। ये तो आप शब्दों का आपके पास रिचनेस होगी तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप यूज कर लेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसको सिस्कोग्राफ, ग्राफ कहते हैं। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट शब्द है बैरोग्राफ। सिस्कोग्राफ के बाद आता है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ, बैरो मींस क्या? प्रेशर या वेट, प्रेशर या वेट। और ग्राफ माने राइटिंग। बायोग्राफ का प्रयोग क्या होगा? एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज to record the environmental pressure, to record the environmental pressure, pressure of air।
an instrument that is used to record the environmental pressure of air को क्या कहते हैं? बैरोग्राफ। तो बहुत सारे शब्दों को हम लोगों ने देखा, तो एक शब्द और हम लेंगे, मोनोग्राफ। लास्ट वर्ड है मोनोग्राफ। मोनो ग्राफ, मोनो मीन्स क्या? वन। मोनो मीन्स क्या? वन। ग्राफ माने राइटिंग। और रिटेन, अ डिटेल्ड रिटेन स्टडी, अ डिटेल्ड, अ डिटेल्ड रिटेन स्टडी ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, अ डिटेल्ड रिटेन स्टडी ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। जब आप किसी एक विषय पे जो है डिटेल रिटेन स्टडी आप करें तो उसे क्या कहेंगे? मोनो। मोनो मीन्स व्हाट? वन। तो आई हैव गिवन यू एटलीस्ट 13 और 14 वर्ड्स थ्रू रूट वर्ड ग्राफ और ग्रफी। परहैप्स यू माइट हैव लर्नड इट थॉरली। और चलिए फिर मेरा जो नेक्स्ट वर्ड पावर आएगा, मैं उसे रूट वर्ड या निमोनिक्स के माध्यम से या फिर और बहुत सारे ट्रिक्स हैं उसके माध्यम से आप लोगों के बीच में लाऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों के बीच में इसको ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।